मैं हारून भाई के पास आए हूँ। ये थोड़े से तोड़े रह चुके हैं, ये मानसेरे के तोड़े हैं और इनका भी एक्सपीरियंस है। ये 2600 का लिया या 50 छूट के 2500 का? 2500 का। इसमें वैसे एक बात बताऊँ आपको, ये ज़्यादा ख़राब भी आते हैं, आज तो माशाल्लाह अच्छे लग रहे हैं। आज माशाल्लाह आलू बहुत अच्छा है, बड़ा आलू है, रंगदार भी है, लेकिन बाजार नहीं है। बाजार नहीं है ना। 100-200 का महंगा लिया, 100-200 रुपये आज महंगा लिया है। आज वैसे बाजार में गाहक नहीं है, दूसरा दिन है, मैंने नहीं देखा। गाहक थोड़ा सा कम हो गया है, थोड़ा सा कम हो चुका है ना। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आज बुध का दिन है और आज 24 मई सन 2023 है। कल गाड़ियां नहीं थी और ये देखें, आज आलू की भी कम से कम 4-5 इधर हैं, इस साइड पे हैं, और कुछ 4 उस दूसरी साइड पे हैं, लेफ़्ट साइड पे, यानी शेड की उस साइड पे हैं, वो जो सामने खड़ी हैं। और टमाटर वाली जगह भी अभी काफ़ी रश है। मंडी में इंटर हुआ हूँ तो काफ़ी गाड़ियां इंटर हो रही हैं बड़ी, और सब्ज़ी की साइड पे जो उस साइड पे भी काफ़ी गाड़ियां, कल नहीं थी, टमाटर वाली साइड पे भी अभी हैं। कल पता नहीं है कि क्या था, क्या मसला था, अगर किसी भाई को पता हो तो मैसेज कर सकता है इसमें। एक ये देखें, तोड़ी की गाड़ी आई है, जाली की, बल्कि ये एक जाली की गाड़ी आई है अभी। इंशाल्लाह आपको तोड़ा भी है, मानसेरा भी है और लोकल तोड़े भी हैं, हज़रों के भी एक चालान आए हुए हैं, उधर स्टोर भी काफ़ी उतरा हुआ है। तो इंशाल्लाह आपको अपडेट्स देता हूँ आज क्या रेट चलते हैं इंशाल्लाह। ये देख सकते हैं कि अफगानिस्तान के लिए ये जाली ले जाई जा रही है। एक ये गाड़ी खड़ी है, एक वो बोरी की गाड़ी खड़ी है, और उस तरफ एक दो गाड़ियां लोड हो रही हैं। आज माशाल्लाह लोडिंग है। दो दिन से लोडिंग नहीं हो रही थी और आज फिर लोडिंग का सिलसिला दोबारा शुरू है, और ये आपके बिल्कुल सामने है। ये चालान 7300 में हुआ है, ये 200 में हुआ है, ये 7300 में हुआ है। मुख्तलिफ फेयर्स हैं, मुख्तलिफ। आज हज़रो था तेज़ फिर। मैं हारून भाई के पास आए हूँ, ये थोड़े से तोड़े रह चुके हैं, ये मानसेरे के तोड़े हैं और इनका भी एक्सपीरियंस है। हारून भाई इधर खड़े हो जाएं कि धूप से हो जाए। अस्सलाम वालेकुम हारून भाई, क्या हाल है? ज़रा तेज़ बोलेंगे तो आवाज़ आपकी आएगी। ये मुझे बताओ, ये मानसेरे के तोड़े कितने के लिए? ये 2600 का लिया या 50 छूट के 2500 का? 2500 का। इसमें वैसे एक बात बताऊँ आपको, ये ज़्यादा ख़राब भी आते हैं, आज तो माशाल्लाह अच्छे लग रहे हैं। आज माशाल्लाह आलू बहुत अच्छा है, बड़ा आलू है, रंगदार भी है, लेकिन बाजार नहीं है। बाजार नहीं है ना। आलू तो बहुत माशाल्लाह खूबसूरत है, और बाजार तो 400 रुपये चल रहा है यार। मैंने बाजार 400 चल रहा है, 100-200 का महंगा लिया, 100-200 रुपये आज महंगा लिया है। आज वैसे बाजार में गाहक नहीं है, दूसरा दिन है, मैंने नहीं देखा। गाहक थोड़ा सा कम हो गया है, थोड़ा सा कम हो चुका है ना। आलू का 200। अच्छा, और ये आज बोरी किस तरह चली है, कुछ पता है? बोरी
7,000 7,500 7,000 7,500 अच्छे आलू, अच्छे आलू है ना। 7,200 300 400 मैंने तो देखा। हाँ इस साल अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। इधर आए ना जरा, नजदीक हो जाए ना, आपकी भी पीरियड ले लेता हूँ। ये क्या लिए हुए आपने? आलू लिए यार, कड़े। और कितने में बेच रहे हैं ये? बेच रहे हैं 2100 रुपए। 2100 रुपए? क्यों सस्ता लिए? नहीं बस क्या सस्ता लिए, 2050 के लिए था 10 रुपए उनका वो। हाँ वो तो इनका वो बेचे अभी आखिरी टाइम में, इसलिए बेच रहा हूँ। हाँ क्योंकि ये देखिए इसमें थोड़ा सा ये मक्खियाँ बैठी हैं, मक्खियों का भी कोई गुजारा हो रहा है। ये मक्खियों का रिजक, इसमें रिजक लिखा हुआ है इसमें। पर एक चीज़ है इसमें, ये जो टकशक लग जाता है ना, तो ये मक्खियाँ इस पर बैठ जाती है, बैठता है। और फिर ये जो होता है ना, हाँ करना पड़ता, ये तो काम करना पड़ता है ना। चले ठीक है, इंशाल्लाह फिर बात करेंगे। और सब्जी मंडी में जो आज माल फरोख्त हुआ है, स्टोर का आलू पंजाब का 7,800 और कमज़ोर माल जो है वो 6,300 रुपये में फरोख्त हुआ है। ये एक्सट्रेक्स था। और जो मोजिका है वो 6,200 रुपये में फरोख्त हुआ है। सेंटा जो फरोख्त हुआ है वो 6,300 रुपये में फरोख्त हुआ है। इसके अलावा जो हज़रों के आलू हैं वो 7,200 से लेकर 7,700 रुपये तक फरोख्त हुए हैं। थोड़ा जो फरोख्त हुआ है जो 22 किलो वाला है वो 1400 रुपये में फरोख्त हुआ है। जो 30 किलो वाला है वो 24 से लेकर 2500 रुपये। जो 35 किलो वाला तोड़ा है वो आज 2600 2700 रुपये तक फरोख्त हुआ है। जो 40 किलो वाला से 28 से लेकर वो 3100 2300 रुपये तक फरोख्त हुआ है। ये थी पिशावर सब्ज़ी मंडी की सूरत हाल आलू की। और आज जो प्याज फरोख्त हुआ है वो 350 से लेकर 450, 15 किलो से लेकर 18 किलो तक, और इससे ऊपर के वज़न वाले जो हैं 550 से 600, 700 से 800 रुपये तक आज प्याज फरोख्त हुआ है। ये थी प्याज की सूरत हाल। इंशाल्लाह आपको कल अपडेट देंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। इधर भी आलू की तरह ही सब सारे बैठे हुए हैं और गाहक ना होने के बराबर है, जो गाहक है ना होने के बराबर है। और सुबह सुबह का टाइम था, थोड़ा सा रश था, उसके बाद अब बिल्कुल नहीं है, खामोशी है। रेट्स के बारे में भी आपको बता देता हूँ, सारा बिल्कुल खामोशी है।